अपने आप को वो समझ बैठिए जो हम हैं। मैं एक आत्मा हूं, जैसे मैंने स्वयं को देह समझने का नेचर बना लिया है, जब मुझे अपना या किसी का भी विचार आता है तो मेरी बुद्धि एक शरीर का ही चित्र बनाती है। ठीक उसी प्रकार अब मुझे अपने ओरिजिनल नेचर में टिकना है और मेरा ओरिजिनल नेचर है कि मैं एक आत्मा हूं। पॉइंट ऑफ लाइट, मुझे अपना और किसी का भी विचार चले तो केवल बिंदु ही दिखाई दे, मुझे केवल बिंदु का ही चिंतन करना है। चिंतन कर रहे हैं हम अपने स्वरूप का कि मैं एक आत्मा हूं। सोचिए अपने बारे में, अगर अपना नाम भी ख्याल में आए तो भी बिंदु ही दिखाई दे। मैं एक आत्मा हूं, एक एनर्जी हूं, एक शक्ति हूं। ओरिजिनल नेचर बनाना है। जितना अधिक हम ये अभ्यास करेंगे, बैठकर घूमते फिरते, उतना ज्यादा ये मेरा नेचर बनता जाएगा। मैं एक आत्मा हूं। सारा खेल है माइंड प्रोग्रामिंग का। अगर हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से कर लें कि जैसे मानो मुझे शरीर है ही नहीं, और कभी प्रोग्रामिंग करें कि मुझे लाइट का शरीर है, घूमते फिरते अभ्यास करें कि मुझे लाइट का शरीर है, मेरे अंग अंग से प्रकाश निकलता है, और अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को भी देखें तो ये अभ्यास हम बढ़ा सकते हैं कि मेरे अंग अंग से लाइट निकल रही है, ये लाइट चारों तरफ फैल रही है। शुरू में
थोड़ा मुश्किल लगेगा ज़रूर, क्योंकि हमने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह कर ली है कि मैं ये पंच तत्वों की देह हूँ। हालांकि हम सभी पिछले कुछ समय से और कुछ वर्षों से और हम में से कई आत्माएं कई वर्षों से यह अभ्यास अवश्य कर रही हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। फिर भी हम जब भूल जाते हैं तो व्यर्थ हम पर हावी हो जाता है, वो बातें मन में चलने लगती हैं जिनसे शायद हमें कोई लेना देना भी नहीं है, और थोड़ी देर में ही वो हमारी मन की बैटरी को डिप्लीट कर देती हैं। तो अपनी मन की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें अपने मन पर विशेष अटेंशन देना है। पहले भी कई बार हमने जिक्र किया है कि मन आत्मा का जैसे बच्चा है, आत्मा इसकी माँ है और ये मन आत्मा का बच्चा है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को पालना देते हैं, ये विशेष ध्यान रखते हैं कि मेरा बच्चा क्या खा रहा है और विशेष किन के संग वो रहता है, किसके साथ वो खेलता है, दो बातों का विशेष ध्यान देते हैं हर एक माता पिता। तो यहाँ पर हम आत्माएं भी अपने मन बच्चे का विशेष ध्यान देंगे। हम ध्यान देंगे कि हमारा मन बच्चा क्या खाता है और खाता वो कैसे है, इस बात पर विचार करें। हमारा जो मन बच्चा है उसका भोजन क्या है और वो कैसे करता है। मन बच्चा भोजन करता है सुनने, पढ़ने, देखने, खाने और पीने के माध्यम से। तो ये पांच चीज़ें बहुत विशेष हैं जिन पर हमें अटेंशन देना है। सबसे पहले हम विचार करेंगे सुनना। हम पूरे दिन में क्या सुनते हैं, वो किसी भी कोई भी साधन हो सकता है जिसके माध्यम से हम सुन रहे हैं। कई बार बातें दूसरी आत्माओं की वापस में बातें कर रहे हैं, हो सकता है उन बातों का हमसे कोई लेन देन नहीं, पर हमारी रुचि थोड़ी व्यर्थ में है तो हम अपने कान वहाँ लगा देते हैं और कान लगाकर फिर कहते हैं, हाँ भाई बताओ क्या हुआ था। वो बात अगर ख़त्म भी हो गई हो तो फिर हम कहते हैं कि हाँ फिर से बताओ ना, तो मतलब हमें व्यर्थ में रुचि है। अब मन क्या करता है, जो सुनता है उसे अपने अंदर समा लेता है। जैसे मानो शरीर जब भोजन करता है, माना शरीर के लिए जब हम भोजन करते हैं, तो अगर मैंने एक एप्पल का सेवन किया तो वो मेरी बॉडी का हिस्सा बन गया। अगर मैंने वड़ा पाव का सेवन किया तो वो मेरी बॉडी का हिस्सा बन चुका है। वैसे ही जब मैंने कुछ सुना जो कि हेल्दी नहीं है, वो मेरा मन उसे अंदर ले गया, उसका सेवन कर लिया और वो मेरे मन का हिस्सा बन गया है। तो यहाँ पर सुनते हुए विशेष अटेंशन देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, हम गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, कई बार अब तो हम विशेष अटेंशन रखने लगे हैं, पर अगर आप में कोई ऐसा है जिसने अभी 7 डेज कोर्स रिसेंट में किया है, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे कि जब हम गाने सुने तो ये ध्यान दें गानों में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो मांग नहीं कर रहे होते हैं या फिर उदास करने वाले होते हैं, तो क्योंकि हर एक शब्द में एनर्जी होती है, जब हम सुनते जाते हैं उन शब्दों को तो हमारा माइंड उन्हें सुन रहा है और बुद्धि क्या करती है, विजुअलाइज करती जाती है। विशेषकर मानो जैसे हमने कोई मूवी देखी ही पास्ट में, या हमने कोई गाना देखा, उसे हमने वीडियोस में देखा, तो जैसे ही हम वो गाना सुनेंगे तो क्या होगा, हमारी बुद्धि अपने आप वही पिक्चर हमें दिखाने लग जाती है। और हम जानते हैं कि मूवीज़ में मेजॉरिटी जो सॉन्ग्स होते हैं आजकल, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई नहीं है, बहुत लो है और हेल्दी भी नहीं है वो मन के लिए। तो हमें विशेष ध्यान देना है कि जब हम कोई गीत सुन रहे हों
तो वो गीत आध्यात्मिक हो। वो गीत अगर हमारे जो ब्रह्मा कुमारी इसमें सॉन्ग्स बनते हैं, अगर आप उन्हें सुने तो कमाल आप देखेंगे। उन्हें कोई भी सुन सकता है, वो बहुत ही ज्ञान युक्त गीत होते हैं। उन्हें सुनते हुए हमारी बुद्धि बहुत सही से विजुअलाइज करेगी, अच्छी अच्छी चीज़ें विजुअलाइज करेगी। जैसे मानो गीत के बोल आ गए, मन पंछी उड़तू वतन में, तो देखो ना अपने आप ही मन पंछी उड़ने लग जाता है वतन में। और वहीं पे अगर गीत के बोल आ गए कि बहुत फिल्मी गीत हैं, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन अभी एक बच्चा इधर गुनगुनाता हुआ जा रहा था, तो एक गीत है जैसे मानो दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। अब मानो ये जो फिल्मी गीत हैं, अब जब बचपन में या कभी हमने ये गीत सुने थे देखे थे, तो वो जो हीरो हीरोइन जो एक्टर लोग होते हैं वो किस तरह से उसमें एक्ट करते हैं, वो बुद्धि फट से विजुअलाइज करने लग जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, मन डाउन हो जाता है और हम कहते हैं पता नहीं मूड क्यों खराब हो रहा है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि हमने सुना क्या है, ठीक है। हम जो भी सुनते हैं बुद्धि उसे विजुअलाइज करती जाती है, इसलिए सुनने पर विशेष अटेंशन देना है, कुछ भी उठाकर नहीं सुनने सुनना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें परमात्म महावाक्य सुनने हैं, परमात्म गीत सुनने हैं। और अगर फिर भी अगर हमें थोड़ी बहुत रुचि है भी, अगर मानो फिल्मी सॉन्ग्स में कुछ हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा भी मुरली के दौरान बजवाते थे कुछ सॉन्ग्स, तो वो बड़े बहुत ही स्पिरिचुअल सॉन्ग्स होते थे या उनमें कुछ मैसेज होता था, है ना। तो ऐसे गीत आप सुन सकते हैं जिनमें कुछ परमात्मा से आपको वो कनेक्ट कर सके, और अच्छे गीत हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है तो आप उन्हें सुन सकते हैं। अगर सुनने की ही बात हो रही है तो अभी एक बात पर और गौर करेंगे, वो है मुरली। जब हम मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते हुए हमें केवल मुरली को सुनना नहीं है, मुरली सुनते हुए हमने मुरली को उन शब्दों को विजुअलाइज करना है। मन और बुद्धि दोनों जब एक जगह पर एकाग्र हो जाते हैं तब रिजल्ट आता है। जैसे मानो मुरली चल रही है और मैं सुन रहा हूँ, लेकिन बस मैं सुन रहा हूँ, फिर मेरा मन भटक जाएगा, मुझे उसे विजुअलाइज करना है। जैसे रेडियो और टीवी, रेडियो में केवल आवाज़ आती है लेकिन टीवी पे आवाज़ के साथ दिखाई भी देता है, तो मुझे क्या करना है, बुद्धि रूपी टीवी पर उस मुरली को विजुअलाइज करना है। जैसे परमात्मा ने कहा कि तुम स्वर्ग में थे, तुम 16 कला संपूर्ण थे, तुम बहुत खुश थे, तो मुझे बुद्धि रूपी टीवी पर इसे विजुअलाइज करना है। आप अभी भी विजुअलाइज करके देख सकते हैं।